तो ये अभी हमने इस जब कोरियर को अनबॉक्सिंग किया था तो इसमें से ये सभी मोबाइल निकले थे, है कि नहीं? और ये तीनों के तीनों मोबाइल अभी हम लोग देख लिए हैं और जल्दी जल्दी ही इसको देखा गया है। तो ठीक है, अभी ये तीनों कोरियर पार्सल करेंगे और इसका वीडियो भी आएगा। तीनों को एक साथ ही डालूंगा, तीनों का एक ही में मिक्स करके जानकारी के लिए। तो थोड़ा सा तो भाई, जैसे कि हम लोग अभी क्लास में हैं तो इधर हम लोग स्टूडेंट को बता भी रहे हैं, तो हमारे स्टूडेंट को भी थोड़ा सा बोलना चाहिए। तो थोड़ा सा आप लोग भी इधर बताइए, छत्तीसगढ़ में अगर किसी को भी ट्रेनिंग लेना है, बढ़िया ट्रेनिंग चाहिए, अगर डेड मोबाइल बनाना है, सीखना है, सीक्वेंस समझना है कि कैसा हमें रिपेयरिंग करना है, तो एक बार सीएम ट्रेनिंग आए, जानकारी ले। कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा फीस तो यहाँ लिया नहीं जाता है, मतलब उसमें आपका हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, MMC प्रोग्रामिंग भी है, सब कुछ है। तो और थोड़ा सा अगर अमाउंट और देते हैं तो आप पैकेज में चले जाओगे, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, मोबाइल, CCTV सभी हो जाएगा। तो कंप्लीट ट्रेनिंग यहाँ पर हम लोग देंगे। अभी तो ये हमने दो तीन इसमें मोबाइल को कोरियर काफ़ी सारे आए हैं, ये देखिए यहाँ पर, और इधर भी आए हैं। ये अलग अलग जगह से लोग, टेक्नीशियन लोग हमारे पास कोरियर किए हैं, ये सभी अभी रखा हुआ है और भी कई सारे हैं। तो ये जो है, हमें सभी देखेंगे क्लास में कैसे बनाया जाता है ये डेड हैंडसेट को। उसमें हमने दो मोबाइल देख लिया है और एक टैबलेट बचा हुआ है, तो इसको हमें टेस्ट करके थोड़ा जल्दी भेजना है। इसको मैं खोल लेता हूँ, डिस्प्ले कनेक्टर को। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें इशू क्या बता रहा है। ये सब डेड में आया है, मतलब मेन इशू क्या है इसका, डेड। ठीक है, बंद है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि टेबलेट कोई अलग से चीज है। तो और जो है, और जो है क्या क्या पॉइंट यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे क्या क्या पॉइंट आपको दिख रहा है? हाँ, ये इसमें सबसे पहले हमें देखते हैं, जब इस मोबाइल को हमने खोला सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि क्या नजर आ रहा है। तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ CC बोर्ड है, ये CC बोर्ड है और ये पत्ता ऐसे जा रहा है आगे की तरफ, यहाँ पर आया है, यहाँ पर इसको निकाल देता हूँ। ये तो कीबोर्ड का कनेक्टर है, टेबलेट में दिया हुआ है, कीबोर्ड अलग से लगाना चाहोगे तो उसमें जाके टच होता है, वो अलग कर देता हूँ। अब ये जो मतलब इसका चार्जिंग वाला पत्ता यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एक जगह लिखा है CHG, फिर DMDP, फिर वो ग्राउंड होगा, ग्राउंड तो इधर दिख रहा है। ठीक है, तो ID होगा, देखते हैं। अब पहले तो ये चेक करते हैं कि क्या चार्जिंग लाइन कहीं शॉर्ट तो नहीं बता रही है। तो CHG पे रखता हूँ, कुछ वैल्यू आ रहा है इसका मल्टीमीटर, इस मल्टीमीटर में चेक करता हूँ जिससे हमें पता चलेगा। तो मल्टीमीटर को मैं रख लेता हूँ डायोड में, ठीक है, क्योंकि मल्टीमीटर को डायोड में रख लिया। और यहाँ पर हम चेक करते हैं 00 आ रहा है, क्या आ रहा है? तो ये क्या है, ग्राउंड है, ग्राउंड। तो मतलब ठीक है कि बेकार? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब ये उसके बाजू में क्या दिया है, चार्जिंग, यानी इसको VBUS भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? VBUS। हाँ, कहीं पर BCH लिखा रहता है, कहीं पर क्या लिखा रहता है, BCH। हाँ, कहीं पर शॉर्टकट में लिख देता है CHG लिख देता है, कहीं कहीं पर क्या लिखा रहता है, BCH, और कहीं कहीं पर क्या लिखा रहता है, VBUS। ठीक है, तो ये DM है, वैल्यू आ रही है, DP है, वैल्यू आ रही है, DM है, वैल्यू आ रही है, मतलब ये DM लिखी है, ये CHG ग्राउंड है। ठीक है, तो इसका मतलब इधर तो चार्जिंग के पॉइंट में अभी यहाँ कोई फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा है। तो इसमें हम चार्जर कनेक्ट करते हैं, चार्जर कनेक्ट करते हैं। देखिए, स्क्रीन में 5 वोल्ट सेट है, 00 एम्पियर है, इसको लगाता हूँ तो कितना एम्पियर लेता है, यानी 0.1। आगे वाला पॉइंट हमें पहले ध्यान देना है, यानी कितना ले रहा है, 0.1 ले रहा है, यानी चार्जिंग हो रहा है क्या, इसका मतलब नहीं हो रहा है। तो अभी ये चेक करते हैं जो VCH है, क्या यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अभी क्या चेक करना पड़ेगा भाई?
ये पहले पता लगाना पड़ेगा कि ये जो VCH है यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको मैं ग्राउंड में रख लेता हूँ और यहाँ पर चेक करके देखता हूँ तो कोई वोल्टेज आ रहा है यहाँ पे, कोई वोल्टेज तो नहीं आ रहा है। तो एक काम करते हैं, लगता है मल्टीमीटर कैसे बता रहा है, यानी 5 वोल्ट आ रहा है ना, इसका मतलब चार्जिंग कनेक्टर सही है कि गड़बड़ है। सही है, ये DMDP है, ये इसमें ऐसे वोल्टेज नहीं बताता है। जब आपका ये कंप्यूटर से कनेक्ट होगा या फिर चार्जर में कनेक्ट होगा, फास्ट चार्जर है, यानी इसका जब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एक्टिव होता है तभी DMDP में वैल्यू आती है, वो भी 1 वोल्ट से कम, ठीक है, उसके आसपास आती है। तो अभी उसको छोड़ दीजिए DMDP को, पहले हमें प्लस लाइन को देखना है। तो यानी चार्जिंग का लाइन तो हमें ओके बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे बैटरी कहाँ पे लगा है, ये वाले जगह में यहाँ पे लगा है बैटरी। ये जो बैटरी जहाँ पे लगा हुआ है तो यहाँ पर मतलब कुछ झिल्ली टाइप का लगा हुआ था, तो यहाँ से ये पूरा ऐसे निकाला गया है, ठीक है। मतलब ये हमारे पास जिसके पास से आया है उसने अपना निकाला होगा। तो इसको जो है मैं पहले खोलता हूँ और चेक करूँगा कि कहीं, और यहाँ पर जो बैटरी लगी है इसको देखते हैं कि जो बैटरी लगी है यहाँ पे कहीं लिखा है क्या, बैटरी फ्री बैटरी लिखा है, ठीक है, फ्री बैटरी लिखा है सर्किट में। तो यहाँ पर चेक करके देखता हूँ क्या वोल्टेज बता रहा है। तो यहाँ पर कुछ वोल्टेज है वो भी मिली में है, ठीक है, कितना वोल्टेज है मिली में है। ID पर देखते हैं कोई वोल्टेज है क्या, यहाँ पर भी कोई वोल्टेज नहीं है, वो मिली वोल्ट आ रहा है हल्का सा। तो ये ID थर्मिस्टर यानी टेम्परेचर लाइन भी है, ID लाइन भी है, वी बैट भी है, ग्राउंड भी है, ठीक है, यानी इसमें 4 पॉइंट है काम का, ठीक है। तो मल्टीमीटर को सेट कर दिया डायोड में, हाँ इसको निकालते हैं, ठीक है। तो इसको जो है अभी हम यहाँ पर चेक करके देखते हैं कि यहाँ पे कितना वैल्यू आ रहा है, 300-600 आता है क्या, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। उसके बाद ID पर कोई वैल्यू आती है कि नहीं आती है, आ रही है, मतलब इसका लाइन भी जुड़ा तभी तो वैल्यू आ रहा है, इसमें भी वैल्यू आ रहा है, ठीक है। यानी ID थर्मिस्टर और बी वेट लाइन का वैल्यू ओके है। अब इसमें हाफ शॉर्टिंग चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, हाफ शॉर्टिंग। तो हाफ शॉर्टिंग सिर्फ दो तरीके से पता चलता है, हाफ शॉर्टिंग कितने तरीके से पता चलता है, दो तरीके कैसे पता चलता है, यानी प्लस को प्लस पे रखूंगा, माइनस को माइनस पे रखूंगा, तो फिर तो यहाँ पर देखता हूँ कितना वैल्यू आ रहा है, 24-25-2600 आ रहा है, तो 12-1300 से आना चाहिए, तो यानी ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब तो बिल्कुल ओके है। इसका मतलब क्या है, बिल्कुल ओके है, यानी अगर हम जैसे इसको अगर हम नॉर्मल मल्टीमीटर में चेक करते हैं तो हो सकता है वैल्यू ना नहीं आ रही है ना, बात समझेंगे समझेंगे सर। यानी अगर हम अगर ये बड़े वाले मल्टीमीटर में चेक करें तो ये तो क्या, जितना वैल्यू आता है सब मेजर कर लेता है ये मल्टीमीटर, जितना भी वैल्यू आता है सब मेजर कर लेता है, लेकिन हमको वैल्यू को बस इतना ध्यान देना है 1300 से ऊपर आ रही है तो हाफ कटिंग मान के चलो नहीं है, ठीक है। यदि कुछ नहीं बताता है तो समझ लो बिल्कुल नहीं है, हमको कन्फर्म ही हो गया। लेकिन अगर 1300 से ऊपर आ रही है तो अगर 2000 के आसपास है तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, उसको करंट देने के बाद पता चलेगा, यानी जब DC सप्लाई दूंगा अगर करंट लेगा तब पता चलेगा। लेकिन अगर 2000 के ऊपर वैल्यू गई तो इसका मतलब समझ लो हाफ शॉर्ट भी नहीं है, यानी वो नॉर्मल मल्टीमीटर में तो बताएगा ही नहीं वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लो, अभी ये समझने के लिए क्या बोलोगे, यहाँ पे समझ लो कोई वैल्यू नहीं है आ रही है, ठीक है, दिया 2000 ज्यादा आ रही है तो इसको बोल देना है कि हाफ शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है, बात समझ गए, यानी यहाँ पे कोई शॉर्टिंग भी नहीं आ रहा। तो अब हम चार्जर लगा करके ये देखते हैं कि क्या इसमें वोल्टेज आ रहा है बैटरी कनेक्टर पर, लगाए थे अभी साइड चेक भी किए थे, है ना, एक बार फिर से देख लेते हैं। जब यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं आ रही है तो फिर वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर जो है कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, मिली में कुछ आ रहा है, अब क्या करना पड़ेगा। तो यानी जो है सिंपल बात आप समझ लो, अभी मैं थोड़ा क्वेश्चन करता हूँ आप कि मुझे ये बताओ कि जब हमें बी बस पे वोल्टेज मिल गया, अब मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, नेक्स्ट मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, नेक्स्ट मेरे दिमाग में क्या चल रहा है,
एकदम करेक्ट बोले, एकदम सही बोले हैं आप, ठीक है, एकदम सही बोला आपने कि मैं क्या ढूंढूंगा, बीपीएच। हो सकता है कि बीपीएच जो है ना बन रहा हो, और हो सकता है बीपीएच पे शॉर्टिंग भी हो, ऐसा भी तो सकता है कि नहीं। तो अब इसको मदरबोर्ड को तो खोलना पड़ेगा फिर, तो देखिए मदरबोर्ड खोलने के जब तक हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, ये मदरबोर्ड अभी पूरा फिट है, और ये लगता है कि ऊपर ऊपर ही खोला गया था, अंदर तो मुझे नहीं लग रहा है कि खोला गया है, लेकिन हम लोग इसको एक बार खोल के देखते हैं। कई बार क्या है, लोग खोले रहते हैं, अच्छे से फिट कर देते हैं तो पता तो नहीं चलता, ठीक है। तो ठीक है, रिकॉर्ड कर लो, आराम आराम से करते जाना। तो इसको मैं खोल लेता हूँ, ओके, बता दिया। एक मैं डिस्प्ले लगाना पड़ेगा जब मार्केट जाऊँगा, मान लो इसमें भी कुछ काम निकलेगा, मार्केट जाऊँगा तो एक ही साथ जो है ले लूँगा सामान, इसीलिए भी तो कुछ लेने नहीं गया। तो नहीं तो एक दिन का हमारा ये काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और ये कुरियर दे देंगे आज ही। देखिए एक कुरियर और आया है, ठीक है, देखिए इसके अंदर भी दो तीन मोबाइल लग रहा है, वजन है, तो ये भी आया है। तो अभी बहुत सारा मोबाइल है हमारे पास, ठीक है, बनाने के लिए। अब देखेंगे कितना सामान हमें मिलता है, और उसके हिसाब से हम ज़्यादा ज़्यादा मोबाइल को क्लास में लेने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो स्क्रू है हम फटाफट खोल लेते हैं, पूरा साइज है, और सभी स्क्रू को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कहाँ से खोल रहे हैं। तो वीडियो तो रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में वीडियो में भी देख सकते हैं। तो आराम से मगर वो तो इसको निकालते हैं बाहर की तरफ, ठीक है, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। मदरबोर्ड आ गया बाहर, पीछे देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर क्या क्या नज़र आ रहा है, डायोड कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है, और यहाँ तो डिस्प्ले कनेक्टर वगैरह है। तो यहाँ पे हमें दो बॉक्स लग रहे हैं, यहाँ पर एक देखो कुछ कंपोनेंट वम्पोनेंट दिख रहा ना ज़्यादा ज़्यादा, तो लग रहा है कि ICIC के बॉक्स के अंदर होगा, ये जो बॉक्स है ना इसी के अंदर होगा, है ना। इधर तो अभी आना नहीं है हमको, अभी हम पहले अपने को पावर सेक्शन में चलना है, ठीक है। तो पावर सेक्शन तो लग रहा यही है, ये देखिए ये वाला एरिया इसका पावर सेक्शन लग रहा है ना। तो अब इसके अंदर कैसे चेक नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। फ्यूचर का तो बोलता हूँ, इसको अभी ऐसे डालूंगा ऐसे साइड से, और ऐसे खींचूंगा, और ऐसे कोई कंपनी या चुनकी सीधा वाला से निकालोगे तो ऐसे सर से ऊपर है कि नहीं। अब इसको ऐसे फंसाऊंगा ऐसे ऊपर की तरफ करूंगा, तो ये सब निकालने के लिए का भी काम करती है, यानी BPH बनाती है। तो यहाँ पर इसके पास आते हैं,
तो इधर हम लोग आकर के पहले चेक करते हैं, ये जो बी बस है वो जनरली जो ये आईसी होती है ना उसके एक नंबर में आता है, एक नंबर और 24 नंबर। तो इसका मैं देखता हूँ कि जो बी बस है वो है कहाँ पर, इधर कहीं चेक किया था ना ये वाला DCH। तो मल्टीमीटर को हम रख लेंगे डायोड में और यहाँ से मैं चेक करूँगा कि क्या ये लाइन यहाँ पर एक रख करके, और मैं ये चेक करूँगा क्या ये लाइन यहाँ पे कनेक्टेड है कि नहीं है। तो अभी इस आईसी का डाटा शीट तो अभी हमें चेक करना पड़ेगा, लेकिन जनरली एक और 24 में आता है। तो ये 1 2 3 4 5 ऐसे ये 24, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ क्या यहाँ पे कनेक्टेड बता रही है लाइन। तो ये बी बस से तो नहीं बता रहा है, बी बस से नहीं बता रहा है। इधर चेक करता हूँ बता रहा है क्या, नहीं बता रहा है। इधर चेक करता हूँ बता रहा है क्या, यहाँ पे चेक करता हूँ बता रहा है क्या, यहाँ पे बता रहा है क्या, नहीं बता रहा है। कंटिन्यूटी बता रहा है क्या, मतलब ये VCS से अभी इधर कहीं तो पता नहीं चला कि इधर कहीं आ रही होगी, पता चला क्या? तो अब आपको एक दिमाग में ये भी बात सोचना है, हो सकता है इसमें OVP लगी हो, क्या लगा हो, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन IC। तो एक मैं वही रखा हूँ और ये जो IC है इधर हम आसपास में चेक करके देखेंगे कि वो लाइन इधर कहीं बीप तो नहीं कर रही है। तो थोड़ा मदरबोर्ड को घुमा लेता हूँ, क्योंकि चेक करके नहीं बन रहा है। आगे रख करके एक जो पॉइंट है वो मेरा कहाँ रखा है, VCH पर, और एक से मैं ये जो कैपेसिटर है वैल्यू आ रहा है, तो मतलब ये कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड कहाँ बताएगा, जहाँ 0 0 आएगा, तो वैल्यू आ रहा है, 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 ठीक है। यहाँ पर वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पे इधर वैल्यू आ रहा है, यहाँ पर वैल्यू आ रहा है, यहाँ पर वैल्यू आ रहा है, इधर वैल्यू आ रहा है, इधर वैल्यू आ रहा है, इधर भी, इधर भी। तो देखिए इसमें क्या है, अभी हम ढूंढ रहे हैं कि ये जो बी बस है वो गया कहाँ पर है ना। तो इधर तो कोई IC नजर आ रहा है क्या, नहीं नजर आ रहा। इधर RDIC नजर आ रहा है, कौन सा IC, RDIC, ये वाला कौन सा IC है, ये बड़ी वाली पावर IC। तो इधर तो कहीं कुछ नहीं पता चल रहा है, ठीक है। अब एक बार देखो ये जो बी बस का कनेक्टर जहाँ है ना इसके पीछे ही देख लेते हैं कि यहाँ भी कुछ कंपोनेंट वगैरह दिया है क्या, दिया है, ठीक है। तो हो सकता है OBP यहीं हो, समझ में, OBP यहीं पर हो। अब ये उधर से इधर चेक करने में तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें जम्पर लगाना पड़ सकता है, अगर हम जम्पर लगाएंगे तभी चेक कर सकते हैं, समझे। लेकिन अभी एक बार ऐसे चेक करते हैं, तो यहाँ पे चेक करते हैं, इधर चेक करते हैं, इधर चेक करते हैं। तो इधर तो कोई शॉर्टिंग ऐसे नहीं बता रहा है, बता रहा है क्या, नहीं बता रहा है। यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं आ रही है। तो देखो सिंपल बात ये समझो, अगर हम ये बी बस का लाइन को ट्रैक करना है तो हमें इसमें एक जम्पर लगाना पड़ेगा, और फिर इसमें से देखना होगा कि इसमें से सप्लाई इधर किसी IC में आ रही है क्या, किसमें आ रही है, किसमें आ रही है। तो जिधर भी आएगा ये ग्राउंड है, वैल्यू आ रहा है। तो एक आइडिया भी रुको जो हम लगा लेते हैं बिना जम्पर लगाए, रेड ब्रॉप हमने ग्राउंड में रखा और यहाँ पे चेक करता हूँ कितना वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है 443, ठीक है, VCH पर 45 आ रहा है। इधर आते हैं, रेड ब्लॉक को ग्राउंड में रखा, यहाँ चेक करता हूँ 443 करेक्ट, ठीक है। इसका मतलब उसका जो लाइन है वो इधर ही आ रहा है, ठीक है। ये है OBP, और इधर से फिर वोल्टेज निकलेगा, और इधर से निकलेगा तो इधर जाएगा। तो इधर चेक कर लेते हैं 0 0, और इधर की तरफ रख लेते हैं तो कितना आ रहा है 421। अब हम आ जाते हैं बिना देखो जम्पर लगाए चेक कर रहा हूँ। अब इधर की तरफ आते हैं, यहाँ पे अगर 421 आया तो समझ लो कि वहीं से इधर आ रहा है, इसलिए डायरेक्ट आया कि नहीं आया, तो एक नंबर में आ गया कि नहीं आया, तो OBP से होकर के आ रहा है, समझ गए। लेकिन यहाँ तक लाइन क्या है आपकी, सही है, यहाँ तक लाइन क्या है, सही है, क्योंकि वैल्यू आ रहा है एक नंबर पर, नहीं आ रहा है। तो
तो इसका मतलब यहाँ वोल्टेज भी आएगा, है कि नहीं? वो तो अभी जब इसमें कनेक्टर लगाएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन अब हम यहाँ पे BPH को ढूंढते हैं, किसको ढूंढते हैं? ये तो कंफर्म हो गया कि ये है चार्जिंग IC, यानी BQIC है, कंफर्म हुआ ना। अब हम क्या पता लगाएंगे? BPH। तो BPH ढूंढने के लिए देखिए, BPH ढूंढते हैं। तो ये बूस्ट वाइल दिख रहा है, तो यहाँ पे रख के चेक करता हूँ तो वैल्यू आ रहा है, दूसरी तरफ रख के चेक करता हूँ 0-0 आ रहा है, यहाँ पे रख के चेक करता हूँ, यहाँ पे इधर की तरफ 0-0 और इधर की तरफ 0-0। इसका मतलब लग रहा है कि BPH पर शॉर्टिंग है। इसका मतलब क्या लग रहा है? BPH पर शॉर्टिंग है। अब थोड़ा चलते हैं इधर और कहीं आजू बाजू में RDYC के पास, तो यहाँ देखता हूँ कि इधर भी क्या BPH का पावर आ रहा है। तो इधर तो वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे 0-0, इधर वैल्यू आ रहा है, इधर वैल्यू आ रहा है 0-0। यहाँ पर चेक करते हैं 0-0 और इधर चेक करते हैं, यानी यहाँ पे भी शॉर्टिंग आ रहा है। तो क्या ये पूरी जगह शॉर्ट है क्या? कहीं तो एक ही जगह शॉर्ट है ना। तो अभी इतनी दूर में पहले रोजिन लगाते हैं और एक जगह वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे। हम यहाँ पे भी इंजेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी इंजेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ज्यादा जगह है इसलिए मैं इधर इंजेक्ट करूंगा। समझे बात को? 0-0 यहाँ पर, इधर तो नहीं करना है हमें, इधर 0-0, इधर 0-0, यहाँ पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये फुल 0-0 है, 0-0 ये भी फुल 0 है। अब देखो इसमें माइनस तो पता नहीं चल रहा है कि माइनस किधर है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर जैसे देखो ट्रैक नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा बोल रहा है, तो यानी इधर ही का सिरा पॉजिटिव है, तो हमें प्लस इधर ही का देना है और ये वाला तो माइनस ग्राउंड से देरी गिरा हो, ठीक है। अगर आप इधर की तरफ मान लो प्लस आप इंजेक्ट कर दोगे तो DC जल्दी से ट्रिक हो जाएगा आपका, ठीक है। तो पहले इधर लगाते हैं रोजिन, देखते हैं इतनी दूर में कहीं शॉर्टिंग है क्या, ठीक है। कंपोनेंट अगर मान लो कोई शॉर्ट होगा तो उसको निकाल, तो इसको अभी हमें देना है सप्लाई इंजेक्ट करने के लिए, तो DC ऑन कर दो ये वाला बना रहा है शॉर्टिंग, ठीक है। तो मैं दूसरी जगह इंजेक्ट करता हूँ वोल्टेज को, देखिए अगर कहीं पे पता चलेगा इधर तो बताना आप, आपको कहीं पे पता चलेगा तो यहाँ पर कहीं कुछ हीट नजर आ रहा है क्या? देखिएगा कहीं पे कुछ आया क्या? नहीं आया। देखते हैं तो पता चलेगा कुछ। इधर कुछ गर्म हो रहा है क्या? पता नहीं चला ना, चलो फिर से एक बार ट्राई करते हैं। पता नहीं चला है तो पूरा पूरा निकाल सकते हैं, लेकिन इसलिए पूरा पूरा एक बार में इसलिए नहीं निकालते हैं ना कि क्या पता उधर ही इसको निकाल लिया, इसके अंदर से क्या निकल रहा है? ग्राफिक सेक्शन है, लाइट सेक्शन है, ठीक है। एक कैपेसिटर है शॉर्ट है ना,
तो इसको निकालते हैं फिर बाहर, है ना, दूसरी तरफ है। और यहाँ फिर से चेक करते हैं, हाँ तो मल्टीमीटर तो डायोड में है, वैल्यू आ रहा है और यहाँ पर 0 0, ठीक है। आरडीओ आईसी का पास थोड़ा चले चलते हैं वेरिफिकेशन के लिए, से 0 0, ठीक है। तो इसका मतलब जो शॉर्टिंग था वो फट गया, ठीक है। अब एक बार इसको साफ कर देता हूँ और फिर इसको मैं फिट करता हूँ, फिर चेक करता हूँ। है ना, तो ये देखिए ये रेडी हो गया, ठीक है। थोड़ा दूर से ले लीजिए, अच्छे से, ठीक। तो ये जो है चालू हो गया, तो मतलब इसमें कुछ लगाना तो नहीं पड़ा ना, है ना। ये जो भी मोबाइल आए थे सब में जो है काम हो गया, तो अब ये जिसका है तीनों उसका काम हो गया है, तो उसको तीनों को हम कॉरियर कर देंगे। इसमें कॉम्बो डालना है और बाकी ये रिपेयरिंग हो गया है, ठीक है। देखो चालू हो गया पूरा, ठीक। तो अभी इसमें कुछ अपना लगा हुआ है तीनों, ये तो हमको पता नहीं। ठीक।